शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको बरकत दे, बहुत आशीष दे। मेरा बिलीव है आप सब ब्लेस्ड होंगे। आप सब के लिए एक ज़रूरी मैसेज, मैं मैसेज नहीं बोलूँगा, एक चैलेंज, क्योंकि 2022 जो साल है 15 दिन या 14 दिन में ख़त्म होने पर है और 2023 आने पर है, और इन दिनों में जो एंड एज है, क्रिसमस के दिन है, सेलिब्रेशंस के दिन है, वेकेशंस के दिन है उसके बाद। लेकिन इसी बीच परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, मैंने एक वचन पढ़ा भजन संहिता 138 का 2 अध्याय में, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को, अपने कलाम को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और जब ये मैं वचन पढ़ रहा था तो मेरे मन में प्रभु ने डाला कि एक चैलेंज आपको एक लेना है कि 15 दिनों के अंदर, 14 दिन इस साल में बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, उन दिनों में न्यू टेस्टामेंट है, जो मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक हमें सारा पढ़ना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने बिजी शेड्यूल में, सारी सेलिब्रेशन में, अपने टाइम में से टाइम निकाल कर परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा पढ़ें, ताकि आप परमेश्वर के वचन से नए भेद, नए प्रकाशन, नई बुद्धि और नया मसा और नई योजना परमेश्वर से पा सकें। और जब 2023 में आप एंटर करें तो आप एकदम नए माइंड के, माइंडसेट के साथ, नए आत्मा के साथ और नई स्पिरिट के साथ आप एंटर करें। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पूरे साल में बाइबल को इग्नोर किया हो, आप बिजी रहे हो या आप सुस्त रहे हो, जो अलग अलग चीज़ों के कारण आपने परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा। और कहीं ऐसा ना हो कि जब आप 2023 में आप एंटर करें तो आप ये देखें कि पिछले साल मैंने बाइबल पढ़ी ही नहीं। रिग्रेट में मत जाएं, अभी भी आपके पास टाइम है। जब 15 दिन हैं, नए नियम को आत्मा के साथ, पूरे चैलेंज के साथ, शारीरिकता को मिटाकर आत्मिकता को अपने ऊपर पहनकर और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगकर वचन को पढ़े चैलेंज के साथ, ब्लेस्ड आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे और औरों के लिए ब्लेसिंग का कारण होंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।